इसके बारे में एनवीएस का जो एग्जाम है उसमें आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि लॉयन कैपिटल में जो शेर है वो किस अवस्था में है। थर्ड पॉइंट है बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, मैं हूं गोविंद। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि केवीएस में ड्रॉइंग टीचर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आर्ट का सिलेबस क्या होगा। इसमें एक एक पॉइंट्स इमेज के साथ डिस्क्राइब किया है ताकि सिलेबस को पढ़ते ही आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद हो जाए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। इसके पहले वाले वीडियो में इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करें और इसका लास्ट डेट वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें हैं वो आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे। और इस वीडियो में जो जनरल कैटेगरी का सिलेबस है उसके बारे में बात किया है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के वीडियोस आते रहते हैं और ड्राइंग ट्यूटोरियल भी आते रहते हैं, सो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो अब आर्ट का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले ये पीडीएफ तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा और इसमें जो आर्ट का सेक्शन है वो यहाँ से आप 99 अगर प्रेस करके क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आर्ट एजुकेशन का सिलेबस आता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी आर्ट एजुकेशन, द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। मतलब अगर आपने बीएफए किया होगा तो उसमें आर्ट के बारे में जो भी पढ़ा होगा आपने उसमें डेप्थ से पढ़ा होगा, बहुत ही डिटेल से पढ़ा होगा, तो उसके अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो टॉपिक्स रहेगा यहाँ पे ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड। जैसे आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे ये यूनिट वाइज कह सकते हैं या फिर पार्ट वाइज कह सकते हैं, ये पार्ट वाइज डिवाइडेड है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है और आप देखेंगे फिर सेकेंड पार्ट है और फिर यहाँ पे ये थर्ड पार्ट है और आगे देखेंगे ये फोर्थ पार्ट है और फिर इसके बाद ये फिफ्थ पार्ट है और ये सिक्स्थ पार्ट है। तो ये पार्ट बाई पार्ट अलग अलग डिवाइडेड है, इसको पढ़ना है। ऊपर से हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। वापस से हम चलते हैं यहाँ पे 99, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। तो इसका पहला जो पार्ट है यूनिट वन आर्ट ऑफ इंडस वैली के बारे में पढ़ना है, जिसमें हड़प्पा एंड मोहनजोदारो है और इसका समय है 2500 BC टू 1500 BC, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़नी है। इसके अंदर में फिर ये नंबर्स वाइज दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है और इसका पीरियड जो है पीरियड एंड लोकेशन पढ़ना है, फिर एक्सटेंशन इन अबाउट 1500 miles, ठीक है। इसके बारे में ये जो पढ़नी है यहाँ पे फिर अंदर में दिया हुआ है, ये भी डिटेल में पढ़ना है। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के बारे में पढ़ना है जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो इसमें हड़प्पा पहले आता है फिर मोहनजोदारो, क्योंकि हड़प्पा का जो खुदाई हुआ था वो सबसे पहले हुआ था, उसके बाद मोहनजोदारो का हुआ था, ठीक है। फिर बी में है यहाँ पे ये रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगन, बनवाली एंड धौलावीरा। तो ये सारा साइट है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में मिला है। तो यहाँ पे ये सारी जो साइट हैं ये अभी इंडिया में हैं। ये रोपड़ जो है ये पंजाब में है, लोथल गुजरात में है अहमदाबाद में, रंगपुर भी गुजरात में ही है अहमदाबाद में, ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। और ये जो आलमगीरपुर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर ही है और सबसे उत्तरी स्थल जो है वो है मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है और सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद है जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में है और सबसे पश्चिमी सुतका गेंडोर है जो कि बलूचिस्तान में है पाकिस्तान के। तो ये सारे साइट्स के बारे में पढ़ना है बहुत ही डिटेल में कि इसका उत्खनन किसने किया था, कहाँ हुआ था और इनका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनकी जो विशेषता है, यहाँ से क्या क्या मिला था, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। इसके बाद सेकंड नंबर है, पार्ट वन का ही सेकंड नंबर है, इसमें स्टडी ऑफ फॉलोइंग, जैसे कौन कौन सा यहाँ वहाँ पे मॉन्यूमेंट मिला था, जैसे डांसिंग गर्ल है मोहनजोदाड़ो में है, ये ब्रॉन्ज में है और इसका ये साइज है सेंटीमीटर में सिर का 2500 BC, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कलेक्शन क्या है इसका, अभी ये कहाँ पे कलेक्शन किया गया है इसका, ये कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली, ठीक है। इसके बाद है सेकंड में मेल टोर्सो, ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है जो कि रेड सैंडस्टोन में है और इसका साइज है 9.2 × 5.8 × 3 cm, ठीक है, ये इसका साइज है। और इसका समय जो है ये सिर का टाइम है उसका कि कब ये मिला था, 2500 BC, ठीक है। उसके बाद इसका भी कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर उसके बाद एक और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ये है मदर गॉडेस जो कि मोहनजोदाड़ो से मिली है। फिर इसका थर्ड है स्टडी ऑफ फॉलोइंग सील, सील के बारे में पढ़ना है कि मोहरे वहाँ से जो मिली है वो कैसे हैं और उन पर कौन कौन सा आकार बना हुआ है, कैसी लिपियाँ लिखी हुई है उस पर, ठीक है। तो जैसे ये पहला है बुल का उस पर शेप है जो कि मोहनजोदाड़ो से मिला है और ये स्टोन में है, इसका साइज है 2.5 × 2.5 × 1.4 cm है, इसका
टाइम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम जो है 2500 BC, ये भी उतना ही टाइम है, और ये भी नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली में रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ है स्टडी ऑफ फॉलोइंग, जो कि डेकोरेशन ऑन अर्थनवेयर, जो कि जार है मोहनजोदड़ो से मिला है, ये मृदभांड है, वहाँ से जो मृदभांड मिला है उसके बारे में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी कलेक्टेड है नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली में। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट, जो कि सेकंड यूनिट है, ये बुद्धिस्ट जैन एंड हिंदू आर्ट के बारे में पढ़ना है, और इसका जो टाइम है 3rd century BC to 8th century AD तक है, ठीक है, उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन टू आर्ट ड्यूरिंग मौर्या, सोंगा, कुशाना एंड गुप्ता पीरियड, तो ये सारे पीरियड जो हैं जितने भी किंगडम डायनेस्टी हुए हैं उनके टाइम में जो जो आर्ट हुआ है और कैसे कैसे आर्ट हुआ है वो सारी चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। सेकंड में है स्टडी ऑफ फॉलोइंग, ये नीचे जो दिया हुआ है स्कल्पचर्स वगैरह उनके बारे में पढ़ना है, स्कल्पचर्स है। पहला है लॉयन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ मौर्यन पीरियड, इसके बारे में NVS का जो एग्ज़ाम है उसमें आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि लॉयन कैपिटल में जो शेर है वो किस अवस्था में है, बैठे हैं या पीछे की तरफ बैठे हैं या खड़े हैं, सो वो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया गया था, जिसका राइट आंसर खड़ा हुआ शेर है, और ये पॉलिश सैंडस्टोन में है, ठीक है। ये शेर का यानी कि इसका जो टाइम है ये 3rd century BC का है, ठीक है, और इसके बाद इसका कलेक्शन जो है ये सारनाथ म्यूजियम में है जो कि UP में है। फिर ये दूसरा स्कल्पचर है, दूसरा पॉइंट है चौरी बैरियर्स फ्रॉम दीदारगंज, जो कि मौर्य पीरियड का है, ये है दीदारगंज की यक्षी, जो कि पटना म्यूजियम में था पहले, अब बिहार म्यूजियम में रखा हुआ है, इसके बारे में पढ़ना है, ये भी पॉलिश सैंडस्टोन में है, ठीक है। इसका भी टाइम जो है ये है 3rd century BC का है। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ कलेक्शन पटना म्यूजियम बिहार, ये पटना म्यूजियम में था पहले पुराने वाले म्यूजियम में, लेकिन अभी बिहार म्यूजियम में है जो कि अभी नया वाला बना है। फिर उसके बाद ये थर्ड पॉइंट है बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला, जो कि गांधारा पीरियड का है और ये स्टोन में है, ये है 27.5 × 20 × 15 cm, और सिर का यानी कि इसका भी समय है 2nd century AD, और ये कलेक्टेड है नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली, ये भी न्यू दिल्ली में संरक्षित है। उसके बाद है यहाँ पे सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला, तो इसके बारे में पढ़ना है, ये है मथुरा में, जो कि कुषाण पीरियड का है ये भी, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, पुटअप किया जाता है बहुत कि ये किस पीरियड का है, क्वेश्चन आ जाता है कि सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला ये किस पीरियड का है, तो वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया रहता है, तो वो राइट आंसर ये होगा उसका। इसका कलेक्शन ये मथुरा म्यूजियम में है। फिर उसके बाद सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ, ये गुप्ता पीरियड का है। अभी देखो यहाँ पे दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है क्या, कि यहाँ पे ये सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला है, ये सीटेड बुद्धा दोनों जगह सीटेड बुद्धा ही हैं, और ये सारनाथ से है, ये कटरा टीला से है, और ये जो है कटरा टीला वाला ये कुषाण पीरियड का है, तो आप इससे याद कर सकते हैं, ये कटरा टीला यानी कि क से है जो है कटरा टीला कुषाण, कटरा टीला कुषाण पीरियड, और यहाँ पे ये सारनाथ है तो इसका तो अलग ही लग रहा है, तो ये गुप्ता पीरियड का है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर याद रहेगा तो फिर ये भी याद रहेगा कि अगर कटरा टीला के से कुषाण का है तो ये तो खैर गुप्ता पीरियड का ही होगा, और ये भी स्टोन में है, और इसका जो टाइम है ये 5th century AD का है आफ्टर डेथ, और इसका जो कलेक्शन है ये है सारनाथ म्यूजियम UP में। उसके बाद ये है जैन तीर्थंकरा जो स्कल्पचर है उसके बारे में पढ़ना है, ये भी गुप्ता पीरियड का है, ये स्टोन में है, सिरका इसका है 5th century AD, और इसका जो कलेक्शन है कलेक्शन एट स्टेट म्यूजियम लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में है, इसको बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि जो म्यूजियम है उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो ये जैन तीर्थंकरा ये हो जाता है लखनऊ UP में।